मगर मेरी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन वीडियो होने वाली है ये वाली आज की, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल। ते हमारे हैं बढ़िया हाल चाल। तो भाई आज से हमने तो भाई आज से हमारा ब्लॉग जो है इस तरीके से स्टार्ट हुआ करेगा। और अभी रात के बज रहे हैं 11:30। और जैसा कि हमने अपना पिछला ब्लॉग बंद करा है कि भाई बाहर का खाना खाएंगे, तो अभी बाहर से हम खाना लिया है दाल मखनी, और उसके साथ लेकर आए फातिमा क्या आइटम है वो नान। तो भाई नान और दाल मखनी का जायका लेंगे। मगर गाइस कोल्ड ड्रिंक नहीं है, आइसक्रीम नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब आप लोगों को, हाँ आज लस्सी भी नहीं है। मतलब आप लोगों को पता है कि बहुत सारी चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं हम अपनी ज़िंदगी से, आहिस्ता आहिस्ता करके उन्हें निकाल रहे हैं। तो भाई आप लोग बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग के अंदर। दूसरा ब्लॉग हमारा स्टार्ट हो गया है, अभी चलते किचन के अंदर, फातिमा निकाल लिए खाना। तो भाई फातिमा आज खुश तो बहुत होंगी तुम, क्या भाई आज तुम्हें खाना जो है वो मिल रहा है अपना मनपसंद बाहर का है। भाई तुम्हारी फरमाइश जो है वो पूरी हो चुकी है। और गाइस यहाँ पे आ चुकी है दाल मखनी, और वो भी फुल। कैसे खोलूँ? हाँ गर्म हो रही होगी, गर्म गर्म दी उसने। तो भाई हम ये दाल मखनी लेकर आए हैं, मौजपुर में ढाबा है, बहुत बढ़िया खाना मिलता है उनका, और बड़ी लजीज दाल मखनी बनाते हैं वो। मगर हम बहुत टाइम बाद लेकर आए हैं, मैं फुल ले आया फातिमा, और कुछ ज़्यादा भी नहीं है, 140 रुपये देखिए भगोना भर के दिए उन्होंने भी। मुझे लग रहा बंद करके जा रहे थे वो भी, 11 बज रहे हैं ना, 11 बज रहे हैं ना, मुझे लग रहा वो भी खाली करके जा रहे थे सारे भगोने वगोने अपने। उन्होंने कहा भर के दे दो इन्हें, जो उन्होंने कहा इससे पहले फेंकना पड़ा, ये आ गए इनको दे दो सारी उठा के दाल मखनी, अभी भी बच गई। तो भाई यहाँ पे मक्खन भी डला हुआ है थोड़ा सा, मगर हम खाएंगे सिर्फ दाल मखनी। यार ऐसे लग रहा है कि उसने उन्होंने कहा यार ये बेकार फिगेगी सारी, इनको ही दे दो दाल मखनी। हाँ तो भाई यहाँ पे हमारे नान है, और उसके साथ ये, हाँ ये देखिए गाइस ये है प्याज, और ये उन्होंने चॉकलेट भी दिए, चॉकलेट भी है साथ में, हरी मिर्च, ये सिरके वाले प्याज है, ये ग्रीन चिली है, ग्रीन चिली, ओहो मुझे लग रहा फादू ने प्याज भी सारे दे दिए उठा के, बस बंद ही करके जा रहे थे वो। ओफो फातिमा ये तो मुझे लग रहा है इसके अंदर भी उसने बटर लगा दिया यार, देखना बटर वाले बिना बटर के हैं। मैंने कहे थे उससे सादे, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कहे थे मैंने सादे, मगर उसने दे दिए, ओहो बटर वाले हैं। तो यार ये मतलब यार ये कुदरत ही नहीं चाह रही कि मैं सिक्स पैक बना पाऊँ, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा तला बुना नहीं आ रहा। तो यार ये मक्खन वाला आ रही है चीज़ें सामने। तो भाई यहाँ पे जो है हमारे ये नान मक्खन वाले, चलो भाई वो जाते हैं दस्तरखान पे, चलो भाई। तो भाई रयान संभाल रहा है अपनी छोटी सी बहन को यहाँ पर, और जोहान लगाएगा दस्तरखान, चलो दस्तरखान लगाओ वहाँ से फटाफट, वो उठाओ निप्पल और वो कुशन वगैरह सब उठा कर दस्तरखान लगाओ यहाँ पे, लाइट जला देते हैं हम यहाँ की। चलो भाई निकाल लिया, हो गया फातिमा। और गाइस टाइम हो चुका है 11:45 होने जा रहे हैं, फातिमा बहुत लेट खा रहे हैं हम खाना, खैर कोई बात नहीं थोड़ा खा रहे हैं तो लेट भी चलेगा। अरे मेरी बिल्ली, अली मेरी बिल्ली बच्चा, मेरी बिल्ली बच्चा छोटी सी आनिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया भाई फातिमा, नज़र उतारने के साथ ही मतलब तबीयत माशाल्लाह से अच्छी हो गई है वानिया की, है ना भाई, ये मेरी रानी बड़ी खुश है माशाल्लाह से। आनिया हेलो कर दो सबको, हेलो आनिया हेलो कर दो, कहना मैं सही हूँ, हेलो कर दो, हेलो, और तत्तो बजा के दिखा दो, तत्तो तत्तो बजाओ, क्लिपिंग कर दिया। तो भाई गाइज आज माशाल्लाह से अभी इतनी प्यारी हवा चल रही थी, और मगर अभी रुक चुकी है, थोड़े से पेड़ पौधे हैं वो हल्के हल्के हिल रहे हैं, मगर अभी आधे घंटे पहले इतनी तेज़ हवा थी कि मैं समझा शायद आंधी आ गई। तो मौसम लाजवाब है, और कूलर हमारा माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी हवा फेंक रहा है भाई। ठीक है गाइस हम लेते हैं यहाँ पे देसी खाने के जायके, और मिलेंगे आपसे सुबह कुछ नए सीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जी सैटरडे की सुबह की शुरुआत बारिश के साथ, मतलब माशाल्लाह से इतनी तेज़ बारिश हुई आज, पानी देखिए कहाँ तक आ गया हमारे कमरे में, ये देखिए यहाँ तक पानी आ चुका है यहाँ तक, और इतना प्यारा मौसम हो गया है, हवा इतनी शानदार चल रही है कि बस अल्लाह ताला का शुक्र हम अदा नहीं कर सकते कि कितना प्यारा मौसम कर दिया ऊपर वाले ने। और हमारी रानी जो है वो यहाँ पे सो रही हैं अभी, और माशाल्लाह से तबीयत बिल्कुल ठीक है, कल शाम से बुखार नहीं चढ़ा है, मतलब जो हमने मगरिब के बाद दवाई दी थी उसके बाद से बिल्कुल तबीयत सही है भी हानिया की, अल्लाह का करम रहे के बस ठीक रहे मेरी रानी, सुकून से सोइए पूरी रात। तो गाइज़ यहाँ पे हमारी रानी जो है वो उठ चुकी है सो के, और देख रही हैं बाहर कि भाई बारिश हो रही है और पेड़ हिल रहा है। हानिया कौन देख रहा है इतने गौर से, मतलब बच्चा छोटा सा मुस्कुरा के दिखा दो सबको जल्दी से, अच्छा आओ मेरे पास आओ, अजय रानी अजय जल्दी से अयो अल्लाह उठा नहीं जा रहा, अरे उठा नहीं जा रहा, जाओ 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 जा, हाँ भाई सबको हेलो कर दो जल्दी से, हेलो करो, हेलो कर दो, हेलो, अच्छा माम करो, माम करो, माम करो,
ये कान पे से माम करती हैं, सर पे से नहीं हो पाता इनसे। तो गाइस शायद मैं ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो गया था, और एक्साइटेड के अंदर मैं ज़्यादा खुश जब होता हूँ ना, मैं पागल हो जाता हूँ यार। तो भाई ज़्यादा खुशी का नतीजा ये हुआ कि देखिए आप लोग, दोबारा से धूप निकल चुकी है, और किसी ने सही कहा है कि भाई ये सितंबर का महीना नहीं है, ये सितंबर का महीना है। तो शायद इस चीज़ को मैं भूल गया था, और मैं बहुत खुश हो रहा था कि भाई बारिश हो गई। तो भाई ये बारिश की बूंदें जो हैं यहीं टंगी रह गई, ये देखिए, और अभी दोबारा से धूप निकल चुकी है। तो अल्लाह ताला मौसम बेहतरीन सा कर दो, आपके नेक बंदे आपसे दुआ कर रहे हैं। और बिल्कुल अभी अभी मैंने प्रोग्राम बनाया कि भाई चलो मुजफ्फरनगर चलते हैं, और भाई मज़े करते हुए चलेंगे रास्ते में, मगर गाइस धूप निकल गई चिलचिलाती हुई। तो भाई ये जो मौसम है ना, बड़ा ख़तरनाक है। तो गाइस यहाँ पे हमेशा की तरह ये काला काला तवा तैयार है हमारा। फातिमा ने एकदम मेरे पीछे से कोनी मारी, क्यों भाई? मतलब हम अपने व्यूअर्स को बताए ना कि हमारा तवा काला है। तवा काला ही होता है। पहले सलाम करो हमारे व्यूअर्स को, यार भूल गई तुम। और भाई गाइस, अरे मेरी हानिया। तो भाई गाइस जो लोग हमारे साथ नए नए जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइबर हमारे नए नए आ रहे हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया हमारे चैनल पे आने का। और यहाँ पे फातिमा मैडम बना रही है हमारे लिए नाश्ता काले काले तवे के साथ। फातिमा एक दिन यार मैं मतलब पैसे इकट्ठे होने दो, तुम्हें तवा लाऊंगा दिलवा के, और तवा भी है ना कम से कम लाऊंगा इंशाल्लाह, महंगे से महंगा, कम से कम 150-200 रुपये तक का, तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी। तो गाइस तपिश आ रही है बहुत तेज़ अंदर धूप की, तो भाई गेट को कर देते हैं हम यहाँ पे बंद। ठंडक हो गई थी बारिश के होने से, मगर अभी हम दोबारा हमें कूलर चलाना पड़ेगा। रानी रानी इधर देखो, इधर देखो, भागियो मेरे पास, जल्दी से भागियो। तो गाइस यहाँ पे हमारी योयो हनी सिंह तैयार है भाई। हानिया मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया ना, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो गाइस यहाँ पे माशाल्लाह से नाश्ता लग चुका है, और नाश्ते के अंदर देखिए मतलब मेरे लिए फातिमा ने बनाई है सादी रोटी। और भाई हम ज़्यादा, आप लोगों को पता है, ज़्यादा कुछ ओवर एक्टिंग तो करके दिखाते नहीं है। रात की दालें बची हुई जो हम रात लेकर आए थे, और सिर्फ फातिमा ने बच्चों के लिए पराठे और मेरे लिए सादी रोटी बनाई है। तो जी गाइज आज पेश है आपका भाई आपके सामने फिर दोबारा से रूबरू कुछ बात करने के लिए। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मतलब बहुत ज़रूरी बात है जो आप लोगों से करनी है। मतलब मेरी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन वीडियो, सबसे मतलब जितनी भी आज तक मैंने वीडियो बनाई है, 300-400 हो रही है शायद, तो जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है सबसे बेहतरीन वीडियो ये है। प्लीज़ वीडियो स्किप मत कीजिएगा, मेरी एक एक बात ध्यान से सुनिए। एक हमारी सब्सक्राइबर हैं अपना आशियाना के नाम से, आप लोगों ने उनके कमेंट्स मेरे कमेंट्स बॉक्स के अंदर पढ़े होंगे। तो भाई मेरे लिए मतलब इतनी बड़ी बात है गाइज कि उन्होंने अपने चैनल पे अपनी वीडियो के अंदर मेरा जिक्र करा, और वो जिक्र के अंदर मेरी बुराई करी अच्छाई करी, ये तो खैर मैं उनकी मुँह ज़बानी आपको सुनवाऊँगा इसी वीडियो में। तो भाई पहले उनका एक छोटा सा क्लिप है, वो देख लेते हैं, और उसके बाद फिर बात करेंगे। मतलब कहना मकसद ये है कि यार आज तक जितनी भी हमने मेहनत करी है ना अपने चैनल पर, तकरीबन एक साल होने वाला है, उस एक साल की मेहनत है ना आज इस वीडियो के अंदर दिखाई देगी आपको। कि मतलब बहुत सारे लोग हैं चाहने वाले हमारे, बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, सभी मुझसे प्यार करते हैं, मेरी फैमिली से प्यार करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मगर भाई एक जिनका चैनल है उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर मेरा जिक्र करना, मेरे लिए यार बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी। मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि यार आज मैं कितना खुश हूँ मैं इस चीज़ को देख। तो गाइस आप लोग सोच रहे हैं कि भाई अपना आशियाना वालों से हमारी मुलाकात कैसी हुई, मुलाकात का जरिया बनी, कहते हैं ना अल्लाह ताला खुद ब खुद रास्ते खोलता है, तो भाई मुलाकात का जरिया बनी हमारी तंजीम बाजी, बिट्टू की मम्मी। उन्होंने वो देखती थी अपना आशियाना वालों का चैनल देखती थी, मैं तो खैर उनको जानता भी नहीं था। तो भाई उन्होंने उनको कमेंट्स करा कि भाई आप मेरे भाई का चैनल भी देखिए, मेरे भाई का चैनल है आनिया की दुनिया के नाम से। तो जब से अपना आशियाना वाली जो है हमारी बाजी, उन्होंने हमारे चैनल को देखना शुरू करा, और मेरी उनसे इंस्टाग्राम पे बात हुई, उन्होंने बताया कि अरे भाई मैंने पहले दिन आपका एक ब्लॉग देखा, फिर उसके बाद दूसरा ब्लॉग देखा, फिर मैंने लगातार आपके 6 ब्लॉग देखे, और मुझे 6 के 6 अच्छे लगे, और आपकी सारी वीडियोस मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती हैं जो आप वीडियो बनाते हैं। मतलब मैं अपने मुझे तारीफ नहीं कर रहा अपनी, चलते हैं और वीडियो में दिखाते हैं आपको कि उन्होंने क्या कहा। मतलब कहने का मकसद ये था कि भाई जरिया अल्लाह ताला बनाता, देखिए जरिया बनी बिट्टू की मम्मी मतलब हमको मिलाने में। तो आइए पहले एक वो छोटा सा क्लिप है वो देख लेते हैं, और उसके बाद फिर आप लोगों से आगे की बात करते हैं। तो आइए गाइज मिलवाते हैं आपको अपनी रानी बाजी से। जी हाँ, हम उन्हें प्यार से रानी बाजी बोलते हैं। तो भाई उनका जो चैनल है उसका नाम है अपना आशियाना। तो देखिए ये है हमारी बाजी, वो जो उस चैनल को चलाती हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाती हैं। तो आइए सुनाते हैं आप लोगों को इन्होंने हमारे बारे में क्या बोला।
कि जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैं मंगल को अपने हस्बैंड के साथ गई थी सीलमपुर, तो वहीं से हमें जाना था कहीं, तो मुझे कहाँ जाना था मैं आपको बता देती हूँ। मैंने बहुत मुश्किल से ये कदम उठाया था, अभी तक मैंने ये कदम कभी उठाया नहीं है, तो मेरा दिल करा कि मैं ये काम करूँ। तो मैं गई थी अपने एक सब्सक्राइबर से, वो भी एक यूट्यूबर हैं, उनका नाम है, उनका जो चैनल है वो हानिया की दुनिया के नाम से चैनल है। तो मैं उन भाई को बहुत टाइम से फॉलो कर रही थी, तो उनकी मुझे वीडियोज़ पसंद आती थी, वो भी मेरे हर वीडियो पर कमेंट करते थे और मुझे उनकी वीडियोस पसंद आती थी। उनकी बहन ने मुझे बोला था कि उनकी बहन है बिट्टू अलवी करके, मेरे पास मैसेज आता था, उन्होंने मुझसे बोला कि अभी मेरे भाई के चैनल पे विजिट करिएगा। बहुत सारे लोग मुझे अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने चैनल का लिंक देके जाते हैं और मैं विजिट भी करती हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं देखती, मैं सबका देखती हूँ, लाइक भी कर देती हूँ और मतलब कमेंट नहीं करती हूँ बट देखती सबका हूँ। लेकिन इनका मुझे ज़रा ज़्यादा अच्छा लगा, तो फिर मैंने देखना शुरू करा। बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं अथर भाई और बहुत अच्छी इनकी वीडियोस होती हैं। आप लोग एक बार ज़रूर इनके चैनल पे चेकआउट ज़रूर कीजिएगा मेरे कहने से। इनके चैनल का नाम मैं एक बार फिर से बता देती हूँ और हो सका तो मैं इनके चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और जो भी विज़िट करे तो अथर भाई को मैसेज कर दीजिएगा मेरी तरफ से, हाँ आप अपना आशियाना की तरफ से आए हैं, तो मुझे खुशी होगी। अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से वीडियो बनाते हैं, बहुत दिल के भी अच्छे हैं। तो मेरी इंस्टाग्राम पे भी फिर इन लोगों से बातचीत शुरू हुई, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही फैमिलियर लगे, तो मैंने सोचा चलो मैं एक सपोर्ट कर देती हूँ उनको थोड़ा। ऐसा नहीं है कि मैं सबको सपोर्ट मतलब इसलिए नहीं करती थी, मेरे पास पहले भी बहुत सारे लोगों के आए थे कमेंट, दूसरों को प्रमोट इसलिए नहीं करती थी, मुझे खुद को इतना फील होता था कि मेरे पास इतने कोई ज़्यादा सब्सक्राइबर तो है नहीं है, तो मैं क्या किसी को प्रमोट करूँगी। लेकिन एक किसी से ना दिल का एक टच हो जाता है, तो मे भी शायद अथर भाई से ऐसा हुआ है कि मेरा कनेक्शन टच हो गया। और आसिफ जी ने जब इनके व्लॉग्स देखे और सब हुआ, तो आसिफ जी ने मुझे बोला कि आप इनको मतलब सपोर्ट करो अथर भाई को, जबकि उन्होंने मुझसे कभी नहीं बोला, कभी भी अथर भाई ने ये नहीं बोला कि आप मुझे सपोर्ट करिए या आप लोग आप अपने सब्सक्राइबर को बोलो मेरे चैनल पे। ये उनकी मुझे बात बहुत पसंद आई, तो मैंने खुद से उनको सपोर्ट करा, बस यही था मेरा। तो मैंने सोचा चलो कर देते हैं, कोई बात नहीं, अगर हमारे ये सपोर्ट करने से कोई इंसान आगे बढ़ता है तो वाई नॉट, क्यों नहीं। और ऐसे ही मुझे अगर कोई और भी लगेगा तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बोलूँगी, उनको भी सपोर्ट करूँगी, ऐसा कोई मुझे दिखेगा कि हाँ भाई अच्छा है ये वो, और वो तो बहुत ही ज़्यादा है। तो बस यही था मेरा आज, यही मेरा था। मैं इसलिए ट्यूसडे को उनसे हुआ भी कि चलो जी मिलकर आते हैं, तो नहीं हो पाया हम लोगों का मिलना वहाँ पर, और मुझे डर भी लग रहा था, एक हस्बैंड को लेके जाना कहीं पर थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, और वही हुआ कि हमें वो नहीं मिले, और इस बात का उन्होंने बहुत 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 फील करा। वीडियो में भी उन्होंने इस बात के बारे में माजद मांगी मुझसे कि अभी इतनी दूर से आई थी और हम मिल नहीं पाए, और उन्होंने इंस्टाग्राम पर मुझे फिर बहुत सारे मैसेज किए कि नहीं अभी आप अब आइएगा, आसिफ भाई को लेकर आइएगा, और जिस रेस्टोरेंट में मैं जाना चाह रही वो रेस्टोरेंट में भी उन्होंने बुलाया कि अभी हमारी तरफ से खाना होगा ये वो। बात की बात है, हमारा मिलना होता है नहीं होता, कब किस्मत में लिखा है, बट मुझे लगा चलो क्यों नहीं, मैं ये शायद उनके लिए कर सकती, तो इसलिए मैं कर रही हूँ। आप इस चीज़ को प्लीज़ गलत मत लेके जाइएगा कोई भी, और मुझे ऐसा कोई दिखेगा तो मैं कर दूँगी किसी को भी प्रमोट। मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को फॉलो करती हूँ और कमेंट भी करती हूँ, वहाँ से भी मुझे कमेंट आता है, मैं किसी से नहीं कहती कि मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि वो मेरी मेहनत है। तो इंसान जब अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है ना, उसकी बात ही अलग होती है, उनकी मेहनत है वो आगे बढ़ जाए, और भी किसी की मुझे अगर इस तरीके से मेहनत दिखेगी तो मैं ज़रूर ऐसे करूँगी। और बाकी तो बस यही है, आप लोग एक बार चेकआउट करिएगा हानिया की दुनिया, ठीक है। तो बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो आज स्टॉप करती हूँ। तो देखा गाइस आप लोगों ने, ये हमारी रानी बाजी जिन्होंने हमारी ढेर सारी तारीफ कर दी, मतलब भाई अल्फाज नहीं है यार। तो गाइस शाम को चल रहा है यहाँ पे नाश्ता, बच्चों के साथ चिली पटेटो हैं और है पॉपकॉर्न और उसके साथ है चाय। तो भाई ये नाश्ता है सब फातिमा की तरफ से आज इन बच्चों के लिए। तो गाइस आज हमने जो वीडियो बनाई है वो हमने रानी बाजी पे बनाई है आज पूरी वीडियो। रानी बाजी पे नहीं बनाई है, रानी बाजी के लिए बनाई है। मैं सही है बोलो काटो मत, कट मत करो। रानी बाजी पे, रानी बाजी के लिए बनाई है क्योंकि उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट करा अपनी वीडियो में, उन्होंने हमारा नाम लिया कि हमारे अथर भाई हैं, आप लोग उनकी वीडियो भी देखें हानिया की दुनिया। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर हमारे माशाल्लाह से सुबह से अब तक बढ़ चुके हैं बहुत सारे, और उन लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करे हैं कि भाई आप लोग अच्छी वीडियो बनाते हैं। तो रानी बाजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना सपोर्ट करा,
तो भाई अभी ये बोलना सीख गए हैं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं जमात में निकल जाऊँ इसी महीने की। तुम ही खोल लो चैनल, तुम ही अपनी वीडियो बना लो सारी की सारी, मेरे जमात में जा रहा हूँ 80 महीने ही, कम से कम 80 महीने। हाँ अच्छा, तो यार मतलब यार मुझे पीछे छोड़ दे, मुझे बोलने का मौका नहीं दे रही फातिमा, तो 80 मिनट भी नहीं रह सकता। हाँ ये वो फातिमा जिससे वीडियो के सामने नहीं मिलती, जब मैं नहीं बोलती थी जब भी कहते थे बोलती थी, बोलती थी, अब मैं बोलने लगी तब भी। तो भाई गाइस मतलब मज़ा आता था हमें अपनी वीडियो बनाने में, मगर अभी और ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर आ रहे हैं और आप लोगों ने मतलब रानी बाजी की वजह से, आपकी वजह से मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। मतलब मैंने 2-4 वीडियो पहले एक बात कही थी कि भाई हम अपने बाइक आने का और 500 सब्सक्राइबर होने का केक एक साथ काटेंगे, मगर मुझे लग रहा है ये सब्सक्राइबर वाला केक या तो कल कटेगा या परसों कटेगा। इंशाल्लाह देखिएगा, आप लोग बने रहिएगा हमारे सब लोग के अंदर। और बाइक तो आप लोगों को पता है कि भाई वो तो बुक करनी पड़ेगी, 10-15 दिन से पहले वो आ ही नहीं सकती, उसमें तो टाइम लगेगा खैर आने में, मगर हम अपने सब्सक्राइबर वाला केक इंशाल्लाह हमने काटा था 300 सब्सक्राइबर पे, और हमने जब भी बोला था आपसे कि अब 400 पे नहीं काटेंगे, अब इंशाल्लाह 500 पे काटेंगे अपना केक, और उसको हम आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करेंगे उस चीज़ को। तो भाई आज मज़ा आ गया यार, ये छोटी सी वीडियो आज बनाई हमने, ज़्यादा बड़ी वीडियो तो खैर नहीं है, मगर बनानी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि भाई जब मैंने उनकी वीडियो के अंदर अपना नाम सुना ना, तो यार मेरा दिल इतना खुश हुआ गाइस कि मैं आपको बता नहीं सकता। और बहुत ज़्यादा उन्होंने तारीफ भी करी इनकी भी। हाँ बहुत सी तारीफ गाइस ऐसी होती है जो हमारी कमेंट्स के पे चल रही है, बहुत से कमेंट्स हमें व्हाट्सअप पे आते हैं, बहुत से इंस्टाग्राम पे आते हैं, तो सारे मैसेज जो हैं वो व्हाट्सअप उस पर यूट्यूब पर वीडियो पर नहीं आते। तो भाई और उस पर एक चीज़ और बहुत बढ़िया हुई तंजीम बाजी के मैसेज से। तंजीम बाजी ने अपना आशियाना वाली जो हमारी रानी बाजी है उनको मैसेज करा उनकी वीडियो पे, और वो मैसेज ऐसा था मेरे लिए वो ऐसा था कि यार मेरी आँखों में ना एकदम से पानी आ गया। तो मतलब यार वो मैसेज मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसी पे दिखा दूँगा आपको, इसी सीन पे आपको दिख भी रहा हो शायद। तो भाई उस मैसेज को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है वो जो तंजीम बाजी ने दिया है उस मैसेज के ज़रिए से। तो भाई सबका शुक्रिया हमें यहाँ तक लाने का, हमें मतलब इतनी समझ नहीं थी कि भाई हम इतनी वीडियो बना पाएंगे, इतनी अच्छी अच्छी वीडियो हमसे बन जाएंगी, आप लोग इतना प्यार दे पाएंगे हमें या देंगे, ऐसा कभी सोचा नहीं था। तो भाई आप लोग प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए हमारी यार हिम्मत भी बढ़ती है, मज़ा भी आता है वीडियो बनाने में। हम लोगों को सब सपोर्ट भी कर रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं और तारीफ भी करते हैं आप लोग, तो हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत होती है कि हम वीडियो हमें बनानी चाहिए, तो आप लोगों का शुक्रिया बहुत। तो गाइस जाते जाते आज एक बात और कहना चाहूँगा, बड़े दिनों से दिल में थी मगर आज उसको बाहर निकाल देते हैं। तो भाई फातिमा का भी तहे दिल से शुक्रिया कि उसने बिना किसी शर्त के मेरा साथ दिया, और उससे बड़ा शुक्रिया आप लोगों का जिन्होंने गिरते हुए अथर को हाथ दिया। तो भाई हमेशा ये एहसान आपका मतलब मेरे ऊपर रहेगा कि आपने यहाँ तक हमें पहुँचाया है, और अभी और लोग आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो भी आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर आने का। और बस आप अपना प्यार दिखाते रहिए और हम भी कुछ ना कुछ मनोरंजन करते रहेंगे आपका अपने साथ साथ, क्योंकि वीडियो बनाने में ना जितना आपको शायद देखने में मज़ा आता है ना, उससे ज़्यादा हमें बनाने में मज़ा आता है। तो ठीक है गाइस, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। कल है संडे, देखते हैं कल कुछ व्लॉग बनाएंगे, हो सका तो शायद 500 सब्सक्राइबर वाला केक भी कल कट जाए, तो वो पता चलेगा आप लोगों को कल वाली वीडियो में। ओके मिलेंगे आपसे कल, अभी बंद करते हैं इस व्लॉग को। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करवाते रहिए जल्दी जल्दी। तो अभी बहुत लंबा सफ़र करना है आपके भाई को, बहुत लंबा सफ़र करना है इस YouTube चैनल पे, और उस सफ़र में मुझे आप लोगों का साथ चाहिए होगा हमेशा। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।